Hello, Bachul. Let's read this question. The question says, the George Cuvier proposed the theory. अब George Cuvier की बात यहाँ पे हो रही है. उन्होंने एक theory proposed की थी. वो theory हमें बतानी है कि कौन सी theory उन्होंने proposed की थी. और उस theory में उन्होंने explain किया था कि pattern of extinction, कि कैसे pattern of extinction होता है, seen in the fossil bearing strata. Strata मतलब अर्थ की जो layers होती हैं, different layers होती हैं, जिसमें जो आपके जो fossils होते हैं, जो आपके वो उसमें आपके दफन होते हैं, वो burned होते, उसके अंदर आपके क्या होते हैं, वो उसमें उसके अंदर layers के अंदर वो present होते हैं. तो उसके ऊपर आपकी different different layers आ जाती हैं. तो वो different strata जो बनाते हैं, जिसके बीच में जो fossils होते हैं, वो आपके save हो जाते हैं. तो उनमें उनका पैटर्न बताया था, पैटर्न ऑफ एक्सटिंक्शन बताया था उन्होंने उन फॉसिल्स बेयरिंग स्ट्रेटा का, कि वो कैसे होता है और सबसे पहले वो थ्योरी कौन सी थी. तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉर्ज क्यूबियर की. एंड जॉर्ज क्यूबियर की अगर हम बात करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं कि ही इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ, उनको हम क्या कहते हैं, एज अ फाउंड को कंसिडर करते हैं, फाउंडर ऑफ द स्टडी ऑफ फंक्शनल एनाटॉमी. क्योंकि उन्होंने फॉसिल्स के ऊपर वो स्टडी करते थे, फंक्शनल एनाटॉमी उनके स्ट्रक्चर्स को देखते थे. तो फंक्शनल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ, फाउंडर ऑफ स्टडी ऑफ फंक्शनल एनाटॉमी के उनको कंसीडर करते थे. और अगर हम थ्योरी की बात करते हैं, तो ही गेव अस द थ्योरी ऑफ कैटाट्रॉपिज्म. तो उन्होंने जो हमें जो थ्योरी दी थी, वो थ्योरी दी थी कैटास्ट्रॉपिज्म. ये जो थ्योरी है, ये एक्सप्लेन करती है पैटर्न ऑफ एक्सटिंक्शन सीन इन द फॉसिल बियरिंग स्ट्रेटा. अब अगर हम कैटास्ट्रॉपिज्म का मतलब समझें, तो ये आपका क्या है कि एक ऐसा चेंज इसके अंदर आता है, जियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन है ये. अगर कैटास्ट्रॉपिज्म की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपकी क्या है, जियोलॉजिकल प्रोसेस है, जहां पे आपका क्या होता है, डॉक्ट्राइन है ये, प्रोसेस दैट चेंज द, वो क्या करता है, अर्थ क्रस्ट हैव अ पास्ट, इन द पास्ट बीन ब्रॉड आउट सडनली चेंज. अर्थ क्रस्ट के बीच में, इस प्रोसेस के बीच में आपका क्या आता है, जियोलॉजिकल प्रोसेस है. और उसमें आपका क्या होता है, अर्थ क्रस्ट में सडन चेंजेस आते हैं. अर्थ क्रस्ट में आपका क्या है, सडन चेंजेस आते हैं फिजिकल एनवायरमेंटल. तो ये सडन चेंजेस आती हैं, और उसके बाद वो स्ट्रेटा बिल्कुल चेंज हो जाता है, नई स्पीशीज वहां पे आपके क्या है, फिर से आपकी दफन हो जाती हैं, वहां पे उसमें बरीड हो जाती हैं. तो यहाँ पे क्या है, इसमें पूरा का पूरा जो एक सडन चेंजेस इसके अंदर आती हैं, और आपकी कैसी हैं, बाय फिजिकल फोर्सेस. वो सडन चेंजेस कैसे होती हैं, बाय फिजिकल फोर्सेस. तो जब उन्होंने, जब वो फॉसिल की स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि कुछ स्ट्रेटा के अंदर तो आपके क्या है, जो एक पूरी स्ट्रेटा के अंदर एक पूरा फॉसिल नहीं मिलता है उसमें. तो उसमें कभी कभी वो फॉसिल डिफरेंट लेयर्स के अंदर मिलते हैं, कभी वो आपका जो फॉसिल है किसी भी लेयर में मिलता ही नहीं है. तो ये आपका क्या है, इसके रीजन जो क्या था इसमें, कि ये आपका कैटास्ट्रॉपिज्म है. जब आपका एकदम सडन फिजिकल चेंज हो जाते हैं अर्थ के लेयर के अंदर, फिजिकल फोर्सेस उसके अंदर लग जाती हैं, तो ये आपका क्या करते हैं कि आज हम उसको उसके बारे में बता ही नहीं पाते कि उस टाइम क्या चेंजेस आई थी, कैसे ये स्ट्रेटास के अंदर चेंज हुआ, न्यू ऑर्गेनिजम्स आ गए. तो बीच में कुछ आपका क्या होता है, उसका रीजन उन्होंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि ये सारी जो चेंजेस आ रही है, ये होती है मास एक्सटिंक्शन की वजह से. ये हो सकता है कि कभी कभी किसी लेयर में आपको बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं, किसी में आपको कुछ कुछ मिलते हैं इसमें. तो ये आपका क्या है, उन्होंने नोटिस किया था, ही नोटिस दैट, जब वो स्टडी कर रहे थे, जब उन्होंने इसमें ये किया था, कि जब उन्होंने ही नोटिस दैट कि आपकी क्या करती है ये, कि सम लेयर्स जो डिफरेंट होती हैं हर लेयर से, The other layers से, they notice that some layers,
सम लेयर्स की बात कर रहे हैं, अर्थ की स्ट्रेटा की बात हो रही है यहाँ पे। तो सम लेयर्स हैं मतलब कि आपके अर्थ के, कि जो आपकी जो रॉक्स की स्ट्रेटा जहाँ पे आपके फॉसिल्स जो मिलते हैं, तो आपका क्या है सम लेयर, और इसी को हम स्ट्रेटा भी बोलते हैं। ये आपकी कैसी होती है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये आपकी लेयर्स जो होती हैं डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये आपकी क्या करती है, इसमें अदर लेयर्स, अदर अदर अदर्स मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेयर्स की। तो आपके क्या करते हैं, सर्टेन फॉसिल्स वर नॉट प्रेजेंट इन ऑल लेयर्स और सम आर कम्प्लीटली डिसअपियर्ड। कुछ आपके क्या करते हैं, कुछ लेयर्स में मिलते हैं एंड सम ऑफ सम आर टोटली डिसअपियर्ड, टोटली डिसअपियर्ड हो जाते हैं। अब डिसअपियर्ड हुन मतलब वो फॉसिल्स हमें मिलते ही नहीं है, तो वो उसका रीजन हमारे पास क्या है, मास एक्सटिंक्शन का रीजन उन्होंने हमें बताया। तो ये इसी आइडिया की वजह से जब उन्होंने फॉसिल्स की स्टडी की और डिफरेंट स्टेटा के अंदर डिफरेंट फॉसिल्स का ये पैटर्न देखा, तो उससे उनके दिमाग में थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, जहाँ पे आपका क्या है इन लेयर्स के साथ क्या है जो आइडिया जो दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या कहा कि कैटास्ट्रोफिज्म का जो आइडिया था, उस आइडिया के अंदर जो बाउंड्रीज थी बिटवीन द स्ट्रेटा कॉरेस्पॉन्ड विद द कैटाट्रॉप्स, वो आपका क्या था थ्रू आउट द टाइम, वो चेंजेस टाइम के साथ वो चेंजेस होती गई और उसने वाइप्ड आउट एंटायर स्पीशीज। तो यहाँ पे हम इसको इसमें लिख सकते हैं कि जो आपका आइडिया था कैटाट्रॉपिज्म में, इन कैटाट्रॉपिज्म, इन इन द थ्योरी ऑफ कैटाट्रॉपिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म, तो उन्होंने क्या किया, इसमें क्या कहा उन्होंने कि द बाउंड्रीज जो थी, द बाउंड्रीज ऑफ, मतलब रीजन की बात हो रही है कि ऐसा क्या क्यों हो रहा है। तो जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज बिटवीन द स्ट्रेटा, बाउंड्रीज बिटवीन द स्ट्रेटा, बिटवीन द स्ट्रेटा, इनकी जो लेयर्स थी जिसके बीच में फॉसिल्स थे, वो उन्होंने वो कैसे थे, वो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्ड कॉरेस्पॉन्ड विद द विद द विद द कैटाट्रॉप्स, विद कैटास्ट्रॉप्स। तो उससे क्या हो गया, दैट अकर्स थ्रू आउट, और ये हमेशा होता रहा, दैट अकर्स। So, all the time occurs, तो उसकी वजह से क्या हुआ, occurred throughout the time, तो उसकी वजह से क्या हुआ, that wiped out entire species। तो ये इसको मास एक्सटिंक्शन हो गया, यहाँ पे आपका सारा ही स्ट्रेटा ही चेंज हो गया और वहां पे नई स्पीशीज आ गई, पुराना जो है वो सारा खत्म हो गया। और आज के टाइम पे हम उसको स्टडी नहीं कर पाते थे उसको, कि क्या चेंजेस आई थी, कौन से फिजिकल चेंज थे। तो एक उसकी वजह से जो कैटाट्रॉपिज्म था, उसी की वजह से उन्होंने थ्योरी दे दी, थ्योरी ऑफ कैटाट्रॉपिज्म, और वहां पे कैटास्ट्रॉप्स था जो लेयर्स के साथ जो थ्रू आउट द टाइम वहां पे उसमें चेंजेस हुई और वाइप्ड आउट कर दिया पूरी एंटायर स्पीशीज को। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास उस आंसर आ जाएगा, आंसर इसमें कौन सा दिया था, द थ्योरी ऑफ जॉर्ज क्यूबियर ने कौन सी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म, ये फिलअप में आपका आंसर आ जाएगा, जॉर्ज क्यूबियर ने जो दी थी थ्योरी ऑफ, इसमें थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।